चाहती दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ से। आज मैं उन पेशेंट के लिए कुछ जानकारी लेके आई हूँ जिनको स्ट्रोक हुआ है या स्ट्रोक पे उनकी प्रोग्रेस डिले हो जाती है। तो उनकी प्रोग्रेस पे डिले होने पे कई बार कंप्लेंट्स ऐसे आते हैं कि जब वो स्टार्टिंग में, जो कि हमारा सबसे अच्छा विंडो होता है 3 मंथ्स का स्ट्रोक के बाद का, जिसमें हम फास्टर रिकवरी गेन करते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में कंप्लेंट देखा गया है कि वो रिकवरी 3 महीने में डिलेड है जबकि फास्टर होती है। तो उसमें क्या सिम्टम देखते हैं कि जब वो पेशेंट बैठ रहे हैं तो जो उनका वीक साइड है उस साइड पर वो टिल्ट होने लग रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को, या जब उनको खड़ा करने की कोशिश कोई कर रहा है या उनको कोई हेल्प कर रहा है तो उसके सहारे पर ही अपने वीक साइड की तरफ गिरने लगते हैं, चलने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये जानने की, उनको ये रहती है कि क्यों हम कोशिश कर रहे हैं, पैसिव एक्सरसाइजेस भी फॉलो हो रही हैं, फिर भी हम रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है पुशर सिंड्रोम का। वो टॉपिक में आप जानकारी लेंगे कि स्ट्रोक पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से पुशर सिंड्रोम डेवलप होता है और वो उनकी प्रोग्रेस को डिले करता है। तो इस टॉपिक के डिस्कस के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय सर, जो कि हमारे सेंटर के चीफ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो हमें जानकारी देंगे। जी मैम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका था कि दोस्तों जो हमारा रिकवरी का, मैं अक्सर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि जो रिकवरी का हमारा टाइम गुड विंडो होता है, जिसमें रिकवरी तो हमेशा होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी स्लो होती है, तो फर्स्ट हमारा 3 to 6 मंथ बहुत ही अच्छी रिकवरी होती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिलता है जिसमें कि पुशर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब बात आती है कि ये पुशर सिंड्रोम क्या है? तो यदि मैं बात करूं दोस्तों पुशर सिंड्रोम का, तो पुशर सिंड्रोम में क्या होता है कि जिस साइड को प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा लेफ्ट साइड को जो है ना हेमिपरेसिस हो गया, यानी कि ये साइड हमारा कमजोर हो गया है, तो यदि ये साइड में पैरालिसिस है तो इस साइड को पेशेंट ज़्यादातर लेटरल साइड को झुकता है। लेटरल का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड को, इसको हम जो इधर को आते हैं तो लेटरल बोलते हैं, आगे को इंटीरियर बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, इसको लेफ्ट लेटरल बोलते हैं, इसको राइट लेटरल बोलते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी में जो पुशर सिंड्रोम होता है, इसमें लेटरल मतलब साइड में जो गिरने वाली प्रॉब्लम है, इसका बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाता है। तो पेशेंट को जब हम बैठाते हैं तो वो क्या होता है कि लेटरल साइड को, यदि लेफ्ट साइड को पैरालिसिस है तो लेफ्ट साइड को क्या करने लगता है, गिरने लगता है। जैसे हम उसको खड़ा कराते हैं वो लेफ्ट साइड को पूरा वजन छोड़ देता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जो हमारी रिकवरी का फेज है, चाहे हमें प्री गेट करना है, चलाने की प्रैक्टिस करानी है, या ट्रंक कंट्रोल कराना है, हैंड की एक्टिविटी कराना है, तो हमें पेशेंट को क्या करना होता है, बैठाना होता है। और वो बैठने में ही एक साइड को शिफ्ट हो जाता है। इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो मैम ने जैसे बताया कि ये डिले प्रोग्रेसिव हो जाता है, मतलब इसका प्रोग्रेशन क्या होता है, फायदा होना लेट हो जाता है। जो हमारा हॉस्पिटल का ही कोर्स बहुत लंबा चलता है, क्योंकि पेशेंट जब बैठ नहीं पाता है तो आदमी को ये लगता है कि बैठ नहीं पा रहा है, घर ले जाऊं कि नहीं, या घर पे रिहैब सेंटर पे ले जाना है, उनको बैठने में दिक्कत होने लगी तो आदमी सोचता है कि यहीं पे घर पे पहले ट्रीटमेंट ले लें क्योंकि बैठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय ये देखना जरूरी है कि कहीं ये पुशर सिंड्रोम तो नहीं डेवलप हो रहा है। जी सर, तो नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स हैं वो कैसे जानेंगे कि पुशर सिंड्रोम ही है, नॉर्मल रिकवरी ना होकर पुशर सिंड्रोम की तरफ डेवलप हो रहा है? यदि मैं सिम्टम की बात करूं तो कुछ क्लिनिकल सिम्टम होते हैं, लेकिन यदि डिटेल की बात करूं मैम, तो एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग कुछ स्केल्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ क्वेश्चनियर होते हैं, असेसमेंट होता है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसके 2 स्केल हैं, जैसे स्केल फॉर कंट्रावर्सिव पुशिंग हो गई या बुर्के इलेक्ट्रोपल्सन स्केल हो गया। तो ये जो दोनों स्केल्स हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि हम पेशेंट को कराते हैं, कराने के बाद स्कोरिंग बनाते हैं और ये देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। तो जो ज़्यादातर केसेस जो देखने को मिलता है कि जो हमारा पोस्टीरियर थैलेमस का एरिया है, यदि वहाँ पे स्ट्रोक है, यदि वहाँ पे हेमरेज है या प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो सिम्टम की यदि मैं बात करूँ तो सिम्टम में जो साइड को, जैसे मैंने बोला लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, वीकनेस है इस साइड को, तो हमारा इसमें दिक्कत क्या होता है कि जो हमारा ओरिएंटेशन है, मतलब जो हमारा क्लाइंट है वो अपने को 18 डिग्री जिधर लीजन साइड है ना उस साइड को शिफ्ट करने लगता है, जिससे डेविएशन क्रिएट हो जाता है लेटरली, और उसको लगता है कि जब वो 18 डिग्री शिफ्ट है तब उसको लगता है कि वो नॉर्मल पोस्चर में है, जबकि वो 18 डिग्री का शिफ्ट है। जैसे मैंने
पहले भी बताया दोस्तों कि इसमें वेस्टिबुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब उसको कोई कान के अंदर जो वेस्टिबुलर आर्गन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको विजुअल उसको दिखाएंगे तो उसको दिखेगा भी, लेकिन जो बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है उनका जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली 18 डिग्री शिफ्ट हो गया है। तो जब उनको बैठाते हैं या जब हम खड़ा कराते हैं तो वर्टिकली का मतलब लंबा लंबी हो गया, हॉरिजॉन्टल का मतलब नीचे बराबर वाला हो गया, ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। तो जो वर्टिकल है उसमें वो 18 डिग्री शिफ्ट कर गए हैं, तो उनको ऐसा एज्यूम्शन लगता है बैलेंसिंग में कि वो बराबर है, लेकिन वो रहते कैसे हैं, 18 डिग्री शिफ्ट होते हैं। मतलब कि वो नॉर्मली अपराइट पोजीशन में जब बैठते हैं सीधा बैठिए तो सीधा ना बैठ के वो अपने को बैलेंस कर पाते 18 डिग्री पे, तब उनको लगता है कि वो सीधा है, जबकि जो देख रहा होता है उसको लगता है कि ये तो झुके हुए हैं एक तरफ को। इसमें पुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है उसकी वजह से कि जो हमारा नॉन पैरेटिक साइड है, मतलब जो अच्छा वाला है, यदि ये लेफ्ट पैरालिसिस है तो अच्छा वाला जो है ये उसको और अपोजिट साइड को पुश करने लगता है। तो इसमें जब पुश करता है तो क्या होता है, इसे कोई चीज़ यहाँ से पुश करेगा तो जो अच्छा वाला है उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि इससे पकड़ के बैठिए, तो पकड़ने में तो ठीक है, थोड़ा भी वो उठाते हैं तो ये अबडक्ट करने लगता है, यानी कि बाहर के तरफ जाने लगता है या फिर एक्सटेंशन करने लगते हैं पीछे के तरफ, और ये एरिया क्या होता है, ये मुड़ जाता है, पेशेंट धड़ाम से इस साइड को गिरने लगता है। दूसरा इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम क्या देखने को मिलता है कि जब कोई पैसिव मतलब एक्टिव होता है जब वो खुद करते हैं, पैसिव होता है जब कोई सपोर्ट देता है, तो जैसे कोई सपोर्ट देता है वो और ज़्यादा पुशिंग सिंड्रोम में जो स्ट्रॉन्ग वाला एरिया उसको क्या करने लगता है, पुश करने लगता है। अब आदमी को ये लगता है कि पेशेंट ये कर नहीं पा रहा है तो वो खुद ही करने लगते हैं, जितना वो करते हैं उतना स्ट्रॉन्ग साइड उसको पुश करने लगता है। तो यानी कि यदि मोटी बात करें और एक स्पेसिफिक बात करें तो इनका जो नॉन पैरेटिक साइड है वो क्या करता है, पुश करता है पैसिव मूवमेंट को। तो हमें क्या करना, पैसिव मूवमेंट को नहीं करना है, पैसिव मूवमेंट से बचना है और एक्टिव को और सबसे मेन बात क्या होगा कि आपका ये जो वर्टिकल मिड लाइन है उससे वो डेविएट करके फील कर रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट मिड लाइन को अवेयर ही नहीं होता है कि इसका मिड लाइन क्या है वर्टिकल। जी सर, तो नॉर्मली जैसे हम लोग ट्रीटमेंट पे जाएंगे सर, तो ट्रीटमेंट तो बहुत डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ गोल सेटिंग हम कर सकते हैं पेशेंट के लिए, कि कुछ गोल सेट करें कि उनका ओरिएंटेशन जो वो मेंटेन रहे, उसके लिए मिरर थेरेपी फॉलो कर सकते हैं या कुछ ऐसा सपोर्टिव सिस्टम कर सकते हैं कि हम वर्टिकल टेपिंग वगैरह यूज़ करें, मिरर वगैरह पे उनको बोले कि आप अपनी सिटिंग पोजीशन को इसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करें बैलेंस वे में, तो ये उनको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, या उनको वॉल साइड सपोर्ट करके खड़ा करें जो कि पैसिव रेजिस्टेंस ना के जो उनका स्ट्रॉन्गर साइड है उसी साइड वॉल सपोर्ट देंगे, तो उनको पैसे सपोर्ट का नहीं मिलेगा और वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, गिरेंगे नहीं और वो वेट बेरिंग कंडीशन में आएंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है रिकवरी में। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि विजुअल उनका अच्छा है, विजुअल को हमें उनके परसेप्शन को रिकग्नाइज करने में हेल्प करना है कि वो रिकग्निशन उनका अच्छा है और उसको फॉलोअप करें, एक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें जिससे कि फास्टर रिकवरी आएगी। जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसके ट्रीटमेंट में दो चीज़ों का फोकस करना सबसे ज्यादा, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पेशेंट का बने और सेल्फ रिकॉग्निशन हो कि पेशेंट को यह एहसास हो जाए कि हाँ मैं टिल्टेड हूँ, इसको कैसे मुझे शिफ्ट करना है। तो उसके लिए जब वो ट्रेनिंग करेंगे, जैसे आपने बताया कि शीशे पे लंबा लंबी एक टेप बना दें और देख के विजुअल एरिए से फील करें और एक्टिव एक्सरसाइज के तरफ ज़्यादा लेके जाएं, तो मैम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लिए डिटेल एक्सरसाइजेस बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग साइड को ही ज़्यादातर हमें ट्रेन करना है जिससे कि बैलेंस प्रॉपर हो पाए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो इसके लिए अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि किस ढंग से आप घर पे अपने घर के जो आपके एसेसरीज हैं उनकी सहायता से किस ढंग से एक्टिव मूवमेंट्स करके अपने गेट के लिए प्री ट्रेनिंग करके प्री गेट ट्रेनिंग करके अपने प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकें। हाँ मैम, अगले वीडियो में हम लोग इसके लिए डिटेल डिस्कस करेंगे और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।